अगर आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छा स्केच या ड्राइंग बनाने के लिए एक महंगे आर्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो शायद आप गलत हो, और हाँ, ये वीडियो उसी के ऊपर है। Hi guys, this is Sumit and welcome back to my YouTube channel. तो आज के आने की वजह से कि ये जो वीडियो एक बहुत स्पेशल वीडियो बना रहा है, क्योंकि जो मैं पेंसिल यूज करके आज स्केच करने वाला हूँ वो एक ऐसा पेंसिल है जिसका यूज करके हम सब ने कभी ना कभी कुछ बनाया या लिखा जरूर होगा। हाँ, मैं एक नटराज की पेंसिल से ड्राइंग करने वाला हूँ। ये वही नटराज का पेंसिल है जो कभी 1 रुपए का आया करता था और आज 5 रुपए का मिलता है, बट फिर भी वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइस पेंसिल है। अब ऐसा नहीं है कि मैं नटराज पेंसिल से पहली बार स्केचिंग करने वाला हूँ, बट आज जो स्केच करने वाला वो थोड़ा सा रियलिस्टिक साइड में होने वाला, और बस यहाँ नहीं, जो भी और मैं मटीरियल्स यूज करने वाला हूँ जैसे कि इरेजर, शार्पनर, पेपर, ये सब चीज़ मैं बिल्कुल लो कॉस्ट वाला यूज़ करने वाला हूँ। जो भी मैं यूज़ करूँगा वीडियो में आगे चल के आप लोगों का शेयर करता हूँ, एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा एंड कैसे मैं ये नॉर्मल टूल्स को एज अ एडवांस टूल यूज़ करके एक ड्राइंग को, एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग को बनाऊंगा, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में चलते चलते बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सेम रेफरेंस बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, शक्ल को पहली बार देख रहे हो, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ये स्केच का ऑलमोस्ट 10-20% मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब इस पेंसिल का एक थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन जान लेते हैं। अब देखो, ये जो पेंसिल है ना, ये है HB पेंसिल, जिसके कारण ये थोड़ा सा होना चाहिए था लाइट साइड पे, बट ये मेरे हिसाब से लग रहा थोड़ा सा डार्क साइड पे, जिसके कारण वो जो टोनल वैल्यूज होते हैं ना, मतलब डार्क टू लाइट जाने में, लाइट टू डार्क जाने में, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज बाकी सब बढ़िया है। सो मैं यहाँ पर एक मैकेनिकल पेंसिल का टिप यूज़ करूँगा अपने बियर्ड के ऊपर एकदम डिटेल वाला हाईलाइट बनाने के लिए, जिसको मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा के अप्लाई करूँगा सो दैट मेरा पेपर में एक डेप्थ क्रिएट हो जाए, तब मैं जब वहाँ पर ग्रेफाइट अप्लाई करूँ तो वो ग्रेफाइट उसके अंदर जाए ना, एंड मुझे बहुत डिटेल वाला हाईलाइट मिल जाए। सिंपल सा प्रोसेस है, अगर समझ नहीं आया तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, प्रॉपर ट्यूटोरियल मैंने बना के रखा है, वो देख लो, समझ आ जाएगा। अब इरेजर भी मैं एक नॉर्मल सा अप्सरा का 5 रुपए वाला इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे हाइलाइट्स में निकाल रहा हूँ, तो इरेजर का जो साइड वाला एज होता है ना, मैं उसको यूज़ करके वो छोटे छोटे हाइलाइट्स निकाल रहा हूँ। अब देखो, पेंसिल तक तो ठीक है, बट जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक बहुत कम कॉस्ट वाला पेपर, मैं कार्टेज पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जो नॉर्मल ड्राइंग कॉपी का पेपर होता है ना, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। उसको यूज़ करने का रीज़न ये है कि ये पेपर एक तो बहुत कम कॉस्ट का है, एंड दूसरा ये पेपर में रफ़ टेक्स्चर होते हैं, रफ़ टेक्स्चर होने के कारण हमें इसमें डार्कर वैल्यूज़ होते हैं, मतलब जो डार्क शेड्स होते हैं वो निकालना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर मैं केवल एक HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, एंड मुझे बहुत सारे शेड्स बनाने, लाइट भी बनाना, डार्क बनाना, लाइट बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट डार्क बनाने में हम आराम से बना सकते हैं क्योंकि ये एक रफ टेक्स्चर्ड पेपर है। मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के लिए सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप इसके जगह पे ईयरबड्स, पेपर स्टैम्प, टिश्यू पेपर, कॉटन, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी।
यहाँ पर मैं क्लोथ्स में ना डिटेलिंग करने के लिए अपने व्हाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, जो आई गेस मैंने लोकल मार्केट से ना ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का परचेज किया था। सो फाइनली हमारा जो ड्राइंग है ना वो यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मटेरियल एंड जो ड्राइंग बना ओवरऑल उसके बारे में। सो ये ड्राइंग को बनाना ना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक पेंसिल था जिसे मुझे सारे शेड्स करने थे, लाइट करने थे, डार्क करने थे, सब चीज एक पेंसिल से करना था। बट थोड़ा सा जो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था ना, जहाँ पर लाइट करना है वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम, डार्क करने में प्रॉब्लम, मतलब वो जो ओवरऑल टोनर एंड शेड्स के साथ जो खेलने वाला चीज़ होता है ना वहाँ पे दिक्कत आ रहा था। बट पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि मैंने एक HB नटराज के पेंसिल का यूज़ करके एक खूबसूरत सा रियलिस्टिक स्केच बनाया। तो अगर सोचो मेरे पास अभी एक पूरा सेट का पेंसिल, स्केचिंग पेंसिल का एक पूरा सेट होता जिससे मुझे अलग अलग ग्रेड्स मिलते, HB से लेकर 6B 8B तक का अगर मेरे पास पेंसिल होता तो मैं क्या स्केच बना पाता? कुछ डिफरेंस आता है स्केच में? नहीं आता है स्केच में, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होता, बट स्केच बनता बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि बनाने वाला एक है तो ड्राइंग बनता भी बिल्कुल वैसा ही। अगर बनाने वाले के अंदर में स्किल है ना तो ड्राइंग बनेगा वैसे ही जैसा कि वो चाहता है। ठीक है, आप उसके पास भले आप नटराज का पेंसिल पकड़ा दो या फिर आप एक स्टेडलर का पेंसिल पकड़ा दो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा पता है क्या करना है, लाइक करना, कुछ नहीं कुछ स्पेशल चीज़ है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर हाइपर रियलिज्म से रिलेटेड अगर ट्यूटोरियल्स खोज रहे हो तो मेरा ये प्लेलिस्ट चेक कर लो, एंड ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो से, टिल देन बाय।